अल्टीमेट। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा फूड्स में आपका स्वागत है। आज हम बुद्धा फूड्स में बना रहे हैं उगानी मिर्ची भज्जी। ये साउथ इंडियन स्पेशल स्नैक है। हमेशा हमारे फाउंडर ब्रह्मर्षि पत्री जी इस स्नैक के बारे में बताते रहते हैं। जब हम ध्यानमा चक्रा गए, ये उगानी मिर्ची भज्जी को खाया, तब पता चला हर बार पत्री जी क्यों कहते हैं ये खाने के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत लाइट डिश है, तो हम सोच भी नहीं सकते उगानी के साथ, माने वो मुरमुरे के साथ ऐसा कोई डिश बन सकता है। और जो हम भजिया बनाते हैं नॉर्मली बहुत हेवी होता है, बट इसमें हम डाल रहे हैं राइस फ्लोर, इससे बहुत लाइट होता है भजिया भी। सो दोस्तों, ज़रूर आप ट्राई कीजिए ये स्पेशल स्पेशल लाइट डिश उगानी मिर्ची भज्जी। उगानी बनाने के लिए हमें चाहिए मुरमुरे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और तड़के के लिए हमें चाहिए सरसों, जीरा, हींग, हल्दी, कड़ी पत्ता, नमक और तेल। पहले हम प्याज का छिलका निकालेंगे और इसको लंबे लंबे टुकड़ों में काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक समान होनी चाहिए सब टुकड़े। अभी इसको एक प्लेट में रख देते हैं और हरी मिर्च को लेंगे। हरी मिर्च को भी ऐसे ही एक समान टुकड़ों में काटकर प्लेट में रख देते हैं। अभी टमाटर को भी वैसे ही मीडियम साइज टुकड़ों में काटकर रखते हैं। एक पैन में तेल डालेंगे, तेल को गरम करेंगे, और अभी तेल गरम हो चुका है। अब इस पे हम सरसों, जीरा, हींग और हल्दी डालकर अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। अभी इसके बाद प्याज डालेंगे और प्याज में स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मिलाते रहिए ताकि नीचे जल न जाए। अभी प्याज पक चुका है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। मिलाते रहें ताकि ये इवनली पक जाए। अभी हम एक बॉल में मुरमुरे लेंगे। ये मुरमुरे को हम पानी से अच्छी तरह धोएंगे। मुरमुरे को ज़्यादा समय के लिए पानी में नहीं भिगोना है, वह गल जाता है। मुरमुरे से पानी निचोड़कर एक प्लेट में रख देते हैं। ज़्यादा ना निचोड़ें, हल्का सा दबाइए बस। अभी ये मुरमुरे को हम पैन में डाल देते हैं और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक मिनट तक इसे पकाएंगे और हमारा उगानी तैयार है। अब हम मिर्ची भज्जी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए मिर्च, बेसन, चावल का आटा, नमक, बेकिंग सोडा, लाल मिर्च पाउडर और पानी। एक बाउल में हम बेसन, चावल का आटा, लाल मिर्च, बेकिंग सोडा, नमक मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। ये देखिए, ये घोल
ज्यादा पतला नहीं, ज्यादा गाढ़ा नहीं। अब हम हरी मिर्च को बीच में काटकर इसके अंदर से बीज निकालेंगे। भज्जी को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल को अच्छी तरह गरम करेंगे। हम एक एक मिर्च को बेसन के घोल में डिप करके गरम गरम तेल में डालेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। करारे मिर्ची भज्जी तैयार है। दोस्तों अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। पत्रिसर्स फेवरेट उगानी भज्जी। इसका कॉम्बिनेशन है, पहले मुंह में उगानी को रखते हैं, फिर मिर्च को खाते हैं। वाव, अल्टीमेट। दोस्तों जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए ये कैसा है उगानी मिर्ची भज्जी। लोबिया वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए लोबिया, अदरक, धनिया, प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, जीरा और नमक। लोबिया को हम 3 से 4 घंटा भिगो के रखना है। लोबिया से पूरा पानी निकालकर ग्राइंडर में लोबिया, जीरा, अदरक, नमक डालकर दरदरा पीसेंगे। ये एकदम पेस्ट नहीं होना है दोस्तों, दरदरा ही रहना है। अब इसको हम एक बाउल में लेते हैं। इसमें हम प्याज, जीरा, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और धनिया को हाथों से ही तोड़कर इसमें मिक्स कर देते हैं। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। इस मिक्सचर को प्लास्टिक शीट पर इस तरह दबाकर टिक्की का आकार बनाएंगे। ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। देखिए तेल गरम हो चुका है। इन वड़ों को तेल में डाल देंगे। मीडियम आंच पर रखेंगे। देखिए दोस्तों अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको अभी तेल से निकाल कर एक पेपर नैपकिन के ऊपर रख देते हैं। इसी तरह सभी वड़ों को फ्राई करते हैं। करारे स्वादिष्ट लोबिया वड़ा तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसिए चटनी के साथ या सॉस के साथ। दोस्तों लोबिया वड़ा जरूर ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बुद्धा फूड्स देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।